नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। दोस्तों आपको बता दें कि इग्नू ने अपना एग्जामिनेशन डेट शीट रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी दोस्तों का सवाल है कि हमारा एग्ज़ाम है या नहीं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि किन का एग्जामिनेशन है। फिर से आपके डिमांड पे मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी, फिर से फुल डिक्लेरेशन के साथ, जब तक कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। एडमिट कार्ड आने की तारीख 8 तारीख है, उसके बाद आपको प्रूफ के साथ सारा डिक्लेरेशन मिल जाएगा और आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे अपना OMR सीट भरना है और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपको कोई मुसीबत ना आए। और इग्नू की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि आपको कौन सी चीज़ें साथ में ले जानी है और कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी है, उसी के साथ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ जाइए, गेट अ मेम्बर ऑफ माई चैनल। आप ज्वाइन बटन के साथ क्लिक करके हमारे साथ बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, देखिए मैंने ये 3 पैक बनाए, यानी सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान, उसके साथ डायमंड पैक प्लान। तो इसमें आपको किसी भी प्लान को आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट और इग्नू की सारी वीडियोस जो भी आपको ज़रूरी है, सपोज़ आपके असाइनमेंट और आपके जितनी भी ज़रूरी चीज़ होती है नोट्स के लिए, आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि हमारा एग्जामिनेशन हमने फॉर्म अभी तक नहीं भरा या री रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये री रजिस्ट्रेशन किन के लिए है, तो ये री रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 सितंबर तक है। तो जो स्टूडेंट 2019 में जिन्होंने एडमिशन करवाया था और जिनका रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, यानी वो नेक्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन कराना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिंक अभी ओपन है, आप 15 तारीख से पहले बिना लेट फी के कर लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन देने जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट हो चुका है, यानी कि एग्जामिनेशन सोचते हैं हमें देना इजी है, लेकिन पहले ये मेथड था कि इजी है, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि इग्नू के कैंडिडेट को क्या यहाँ पे ले जाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, आपको अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है। अब लिखने के लिए आपको कोई अदर पेन नहीं, सिर्फ सिंपली आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। अब ट्रांसपेरेंट बॉल पेन की थोड़ी इमेजेस आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होती है ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, यानी जिसमें से आपको आर पार पूरा क्लियर नज़र आए तो वैसी होनी चाहिए। अब इस पर कोई क्वालिटी नहीं है कि आप सस्ती ले महंगी ले, आपको जैसे सुविधा है आप उस तरह से कलम को चूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेना है, उसी के साथ आपको बॉल पेन लेना है। अब बॉल पेन और जेल पेन, जेल पेन आपको नहीं लेनी है, सिर्फ आपको बॉल पेन ही लेनी है। अब बॉल पॉइंट का पॉइंट भी अलग होता है, अब इसमें आप जैसे भी लें ये आपकी मर्जी पे होती है, लेकिन आप जैसे लेना चाहिए पर ऐसे ही आपको लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस पे नोटिस में आगे क्या लिखा गया है। आपको सिंपली एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है और आपको जो आपके अटेंडेंस सीट पे और आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपको चिपकाना है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म, कोरोना वायरस का डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह होता है, आपको चिपकाना है, आपको हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है और आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जानी है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसी के साथ आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स होगी जो आपको लेके इस समय जानी होगी। और चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आपको OMR शीट में आपको पूरा भरना है। दोस्तों बहुत सारी OMR शीट होती है, OMR शीट के बारे में थोड़ी सी डिटेल पे आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक जानकारी अच्छे से मिले, क्योंकि ये है आपका सबसे भरोसेमंद चैनल। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमेशा ही लिखा होता है। देखिए OMR शीट जो होती है बहुत टाइप की होती है, एक होती है कि आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी यहाँ पे फिलिंग करनी होती है, और हर जगह की OMR शीट अलग होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन।
ऑनलाइन ऑफलाइन भी OMR शीट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि एडमिशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एम्प्लॉय आप जैसे कहीं अप्लाई करते हो उनके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, सबकी अलग अलग यहाँ पे OMR शीट होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि OMR शीट की कुछ तस्वीरें। तो ये रही पूरी OMR शीट की पूरी तस्वीरें, ताकि आप देख लें और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बहुत टाइप की OMR शीट होती है, अलग अलग तरीके की, लेकिन आपकी जो OMR शीट आएगी वो कैसी होगी। तो OMR शीट जो आपकी आएगी, तो सिंपली आपका कैंडिडेट नेम होगा, फिर कहीं कहीं हो जाता है आपका फादर्स नेम, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होती है आपकी आइडेंटिटी पहचान करने के लिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में वही यहाँ पे ज़रूरी होती है, जो डिटेल एडमिट कार्ड में वो सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी होता है, जेंडर भी होता है, रिलीजन भी होती है, मोबाइल नंबर भी होते हैं, परसेंटेज यहाँ पे, और कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये रही पूरी कैटेगरी। देखिए अब यहाँ पे एड्रेस की भी बात होती है, बहुत सारे जगह पे ये होता है कि परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस, ये दो एड्रेसेस लिखने के लिए आती है। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी गलती ना करें कि जहाँ इन्विजिलेटर चेक करेंगे या फिर जो टीचर वहाँ पे प्रेजेंट है वो चेक करने की जगह पे आप यहाँ पे ना करें। और पेरेंट्स सिग्नेचर होते हैं बहुत जगह, तो ये उनके लिए है जहाँ पे पेरेंट्स साथ में है, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैनुअली मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। इसी के साथ थोड़े से हम चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पे कैसे आपको फिल करना है। तो चलिए देखिए, सिंपली ये आपका देखिए दो तीन टाइप के होंगे। सबसे पहले आपको फिल करनी होगी OMR शीट पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे इनरोलमेंट नंबर आपका होगा, उसके बाद आपकी कोर्स कोड, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैनुअली हर एक जगह पे रहती है। दूसरी आपका साल, किस साल में आप परीक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं साल में क्या भरना है, तो अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि इस बार जो परीक्षा होगी और इग्नो में बहुत सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस आई हैं, जिसमें आपको OMR शीट में इस बार बहुत सारी परीक्षाएं होंगी और OMR शीट भरनी ज़रूरी होती है। तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड आपका होगा यहाँ पे मंथ, उसके बाद आंसर के लिए यहाँ पे आपको जगह देनी होगी। ये सैंपल आपका है, तो चलिए अब इसको भरते कैसे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है क्योंकि आपको ध्यान से भरना होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो है कंप्यूटराइज चेक होता है अपलोडिंग पे, तो इस पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे सारे सही और गलत तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा डिक्लेरेशन किया हुआ है। सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, देखिए ओनली HB पेंसिल फॉर फिलिंग द रिस्पॉन्स सीट। आपको सिर्फ बॉल पेन ही या फिर पेंसिल, कहीं पे पेंसिल और कहीं पे पेन, तो पेन की जनरली यहाँ पे यूज़ होती है, और आपको भरना है प्रॉपर कॉलम में आपको वहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका सपोज़ इतना है यहाँ पे सपोज़ दिया गया है, और यहाँ पे बॉक्सेस है, तो जिस हिसाब से देखिए इनरोलमेंट नंबर की जो जगह होती है वो उतनी ही होती है जितना आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, उसी हिसाब से पूरी बनाई जाती है। यहाँ पे कोर्स कोड, OMR सीट इज द कंप्यूटर कोड फॉर द कोर्स विच इज़ इतना, देखिए सारा कंप्यूटर कोड है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसको। सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर है, अब आपका कितने डिजिट का है, तो जितने भी डिजिट का आपका ये इनरोलमेंट नंबर होगा आपको ऐसा दिया रहेगा। आप सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर काउंट करना है कि मेरा 6 डिजिट का है, 7 डिजिट का है, 8 डिजिट का है, उसके बाद आपको कॉलम से शुरुआत करनी है। आपका सबसे सपोज़ यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर 07, तो आपको 0 जो है ना यहीं पे आपको ड्रॉ करना है, फिर 7 लिखा है तो 7 ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, 1 हो गया तो फिर आपको 1 यहीं पे ड्रॉ करना है, देन आगे की जो भी नंबर्स है जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गलत तरीके से कुछ नहीं करना है। 1 दिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ 1 पे ही क्लिक करनी होगी। आगे हम बात करें तो यहाँ पे कोर्स कोड, तो कोर्स कोड जो भी आपका है आप यहाँ पे लिखें, किन्हीं का होता है कि 001, ठीक है,
0001 या 001। तो आपको ऐसा नहीं कि जीरो आपको छोड़ देना है, आपको जीरो को लिखना ही है, क्योंकि कोर्स कोड जो भी होते हैं, सपोज आपका 0001 है, तो आपको 00 या 0001 है, तो आपको पहले वो 00 यहाँ पे आपको लिखना ही है, उसके बाद 14 अगर है तो आपको ऐसे, और आपको 00 पे आपको यहाँ पे पूरी तरह से कलर करना है, उसको फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आगे के नंबर्स को लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, 00 को नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट कोड जो आपका होता है उसको लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 लिखना है आपको, पूरा कोड जो भी लिखा हुआ है वो ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं अब ईयर की बात में, 2020 है यहाँ पे, 2007 दिया हुआ सैंपल में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको लिखना है 2020 up to 0020। अब इसी तरह कलरिंग करनी है और उसी के साथ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी सारी चीज़ आपको इसी तरह से भरनी है। अब यहाँ पे एक बात हो जाती है मंथ, अब मंथ है सपोज आपका सितंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, आप सितंबर में यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सितंबर 09 आपको सिंपली यहाँ पे नहीं भरना है, क्योंकि आपको पता है 12 तक ही महीने होते हैं 12 मंथ के, तो सिंपली यहाँ पे 09 आपको लिखना है, आप 0 नहीं छोड़ सकते, 0 को भी कलरिंग करना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप भरोगे। अब आंसर की बात करते हैं, सपोज इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 में आपको जाके, और ऑप्शन कितना है 3 आपका सही है, तो आपको जाके सिंपली ऑप्शन नंबर 3 पे जाके आपको सही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे, आप एक ही लाइन पे सारे आंसर दे दिए, कैसे नहीं, आपको सबसे पहले ऊपर देखना है, यानी जो भी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हिसाब से आपको देखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये रही पूरी की पूरी यहाँ पे OMR सीट फिलिंग करने की बात, और आई होप आपको वीडियोस में सब कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई, कोई भी बात अगर यहाँ पे आपकी रह गई हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली पूछ सकते हो, क्विक आंसर मिलेगा। अगर आप हमारे मेंबरशिप में हो तो, अगर आप मेंबरशिप में हो तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, नहीं भी है फिर भी आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ हो सकती है थोड़ी लेट, तो इस वजह से आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। और इसी के साथ दोस्तों फिर हम मिलेंगे अगले वीडियोस पे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।